हमारे साथ हैं फैज़ान अहमद, जो IIT खड़गपुर के थर्ड ईयर के मैकेनिकल इंजीनियर के स्टूडेंट थे और वो रोबोटिक्स सॉकर के टीम में भी थे, रोबोटिक्स के एक दूसरी टीम में भी थे। उनकी जो मौत 14 अक्टूबर को उनकी डेड बॉडी मिली थी IIT खड़गपुर के हॉस्टल में, और अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसे दोबारा पोस्टमार्टम के लिए कहा है। तो कल उनकी बॉडी को निकाला गया है, आज उनकी बॉडी कलकत्ता लाई गई है। तो हमारे साथ फैज़ान की माँ और फादर हैं हमारे साथ में, वो बताएंगे कि अभी वो कलकत्ता में साथ में आए हैं। बस वो अपने हाल को बताएंगे कि वो अभी इंसाफ की जो उम्मीद है वो कितनी बरकरार है अभी। अभी जो डॉक्टर साहब बॉडी को दोबारा यहाँ लिया मंगवाया है, दोबारा पोस्टमार्टम करने के बाद ये जो मिलेगा मेरा बेटा का कोई जो दाग लगा है सुसाइड का वो दाग हटा पाएंगे, ये मेरा आशा है और मुझे इंसाफ मिलेगा बोलते मुझे पूरा भरोसा है। जी, मुझे याद है जब फैज़ान की मौत हुई थी तो आपने एक बात कहा था मुझसे कि मैंने बंगाल में दीदी के यहाँ बेटे को अपना भेजा था और वो एक मेहमान बन के यहाँ आया था और वो एक अमानत के तौर पे था यहाँ से, वो अमानत मुझे वापस मिला नहीं। मुझे अब उम्मीद है कि दीदी से इंसाफ मिलेगा। जी, जी, और कुछ अभी तक जो 7 महीने का जो वक्त गुजरा है उसके बारे में कुछ बताएं। फैज़ान के बिना ये वक्त कितना मुश्किल गुजर रहा है, और एक माँ से बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ भी बोलना चाहें इस बारे में। रात को नींद नहीं आता था, रात को आँख बंद करेंगे ये डर है कि कहीं वो आके आवाज़ लगा देंगे, मैं नहीं सुन पाऊँगी तो कैसे होगा, वो चला जाएगा, इस वजह से आँख बंद नहीं करती हूँ। रात को खा नहीं पाती हूँ कि बेटा का कहीं शायद भूखा बांध के रखा है ना, कहाँ पर है बेटा, खा नहीं पाती हूँ, हर वक्त यही रहता है कब मुझे इंसाफ मिलेगा, कब मुझे कुछ आसरा मिलेगा। जी, अब सलीम साहब भी हमारे साथ में हैं। सलीम साहब ने भी पहली बार जब मेरे से बात हुई थी तो ये बात कहा था कि फैज़ान जो हमने नाम रखा था वो बहुत ही बड़ा माने हैं उसका, कि उससे फैज़ पहुंचे पूरी दुनिया को। और फैज़ान वाकई में बहुत ही टैलेंटेड एक जीनियस बंदा था, जो शायद हिंदुस्तान में अगर वो अपना पूरी ज़िंदगी जीता तो कई सारे फ़ायदे पूरे समाज को और देश को उससे होता। जी, सबसे पहले तो मैं हाईकोर्ट का मैं ज़्यादा करता हूँ इंसाफ के लिए, मुझे इंसाफ दिलाने के लिए हिम्मत की और उम्मीद है, पूरी उम्मीद है मुझे कि मुझे इंसाफ में इंसाफ मिलेगा। और यहाँ की बंगाल के जो हमारी दीदी है जिसकी रिश्ता हमारी अमानत थी, तो वो उनसे हमारी इतनी उम्मीद है कि वो हमारी मदद पहले भी किया आगे भी हमारी मदद करेंगी, पूरी उम्मीद करता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरी पूरी मदद फरमाए और मेरे बेटा इस मुल्क की एक शान, मेरा ही बेटा नहीं पूरे कलकत्ते का वो बेटा था, पूरे हिंदुस्तान का वो बेटा था जो आज नाम रोशन पैदा करता तो हिंदुस्तान से सितारा चमकने वाला पैदा हो रहा, लेकिन उसे नाहक कत्ल करके उसके ऊपर इल्ज़ाम दिया गया खुदकशी की, ये कत्ल था। और इसी बात से दोबारा इंसाफ के लिए आज जो 14 अक्टूबर 2022 को दफन 16 अक्टूबर 2022 को दफन किया था उसे मैं 23 मई को कब्र से उठाकर आज मैं कलकत्ता इस वक्त से लाया हूँ, तो मुझे इसकी पूरी तहकीकात का हाईकोर्ट में मुझे लागत दी दोबारा पोस्टमार्टम हो और इससे सच्चाई भी सामने आए और हक और बाकी की फैसला हो, उम्मीद पर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे जरूर जरूर ये
फैसला मिलेगा अल्लाह की तरफ से भी और दुनिया की तरफ से भी। आज एक बाप अपने बेटे को कांधे पे लेकर दफन किया और दूसरी बात वही बाप कब से उठाकर आज फिर इस कलकत्ता में उसे ये पोस्टमार्टम के लिए लाया। इससे बड़ा गलत क्या हो सकता है मेरे लिए कि मेरा ही बेटा नहीं था, पूरे मुल्क का बेटा था, पूरे कलकत्ता का बेटा था। मैं अमीर साहब मेरा वकील साहब में उसका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सरकार भाई हमारे जी एक चीज़ जैसा आप ये बता दी, जो IIT का जो कैंपस है, जो वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं उसका किस, उन लोगों का किस तरह का ये था? क्योंकि कल जब वो जब बॉडी निकालने के दौरान वो वहाँ से भी कुछ लोग आए थे, फिर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो वो लोगों को वहाँ से जाना पड़ा, अभी तक उन लोगों का बिहेवियर व्यवहार कैसा रहा है इस पूरे मामले में? संदेहजनक है ना, क्योंकि हर काम में शक होता है। अगर वो लोग अच्छे मन से जाता ये तो सामने खड़ा था, मुझे कहीं या हर चीज बोलता या मैडम आप कैसे हो पूछता। उन लोगों ने दौड़ जाए भाग को वहाँ तक पहुँचे ऐसा एक किया। एक सबसे वजह से मुझे शक होता है कि उन लोगों ने कुछ तो उड़ गए जो उन लोगों ने जी जी। अनुरुद्ध मित्रा जी आप बताएं फैजान अहमद के केस के बारे में। अभी आप लोग कोलकाता पुलिस के मौत के सामने खड़े हैं और आज फैजान अहमद की डेड बॉडी कोलकाता आई है, तो इस बारे में बताएं आप। हम 3 महीना में राजा शेखर मांझा साहब ने ऑर्डर दिया था कि सेकेंड पोस्टमार्टम होना चाहिए। सेकेंड पोस्टमार्टम होने के लिए जो ऑर्डर हुआ था उसको चैलेंज करके स्टेट गवर्नमेंट ने एक अपील किया था। अपील में चीफ जस्टिस ने वही ऑर्डर को अपहेल्ड किया और बोला एक हफ्ता के अंदर सेकेंड पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। ये सेकेंड पोस्टमार्टम क्यों? पहला जो पोस्टमार्टम किया था जो एक्सपर्ट को कोर्ट अपॉइंट किया था वो वीडियो देखने के बाद ये चीज़ उनके सामने आया, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और वीडियोज है पोस्टमार्टम का दोनों टैली नहीं कर रहे। तो उस बेसिस पे उन्होंने एक फादर रिपोर्ट या प्रिलिमिनरी रिपोर्ट या कोर्ट को लेकिन पोस्टमार्टम करना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ है जो मिसिंग है पोस्टमार्टम में, कुछ इंजोरीज उनको मिला है वीडियो में, तो वो चीज़ के लिए वो सेकेंड पोस्टमार्टम करना चाहते हैं। इस वजह से बॉडी एक्ज्यूम किया गया शाम से और अभी लाया गया है, यहाँ से बोला गया है सैटरडे को उनका पोस्टमार्टम होगा, सेकेंड पोस्टमार्टम होगा। तो हम लोग यही आशा में हैं कि जो हम लोग सच है सच सामने आए। जी आप एक चीज़ और ये बताए, क्या इस ये पोस्टमार्टम किसी बोर्ड के अंदर में होगा या मतलब कोई खास बोर्ड बैठेगी इसके लिए? खास बोर्ड नहीं, हाँ मॉनिटर करेंगे एक्सपर्ट जो है डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता, वही पोस्टमार्टम करेंगे। उनके साथ जो टीम है मेडिकल कॉलेज का वो संग में रहेंगे उनको असिस्ट करने के लिए। थैंक यू।